और पंजाब में जहरीली शराब से हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 3 दिन में जहरीली शराब पीने से 86 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले तरन तारण में ही 63 लोगों की जान चली गई, जबकि अमृतसर में 12 और गुरदासपुर के बटाला में 11 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने इस मामले की न्यायिक जांच के साथ ही एक SIT भी बनाई है। शराब कांड को लेकर अब तक पूरे पंजाब में 100 जगहों पर छापेमारी करके कुल 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पंजाब सरकार ने मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया है। ब्यूरो चीफ विशाल एंग्रीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, ये जो जहरीली शराब पीकर लोगों की मौत हुई है, ये कोई जहरीली शराब ऐसा नहीं है कि आज से बिक रही होगी। अभी SIT का गठन करना जांच के लिए, ये सब तो मुझे लगता है एकदम फार्स, एकदम मुंह पर दिखाने वाली चीजें हैं। ये तो पिछले लंबे समय से चल रहा होगा ना। देखिए साक्षी, आपने सही कहा कि ये लंबे समय से ही चल रहा है पंजाब में, और इससे पहले जो इंसिडेंट से पहले पंजाब में जो नकली शराब की फैक्ट्रियां पकड़ी जाती हैं, वो भी मॉडर्न तरीके के साथ लगी हुई, चाहे वो खन्ना में हो, राजपुरा में हो, और इसी तरह ये गोरखधंधा काफी लंबे समय से पुलिस के नाक के नीचे चल रहा था, एक्साइज डिपार्टमेंट के नाक के नीचे चल रहा था। और यही कारण है कि कल 7 जो एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। पंजाब पुलिस के कई कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, और लग यही रहा है कि सरकार द्वारा ये खाना पूर्ति ही की जा रही है, क्योंकि जिस तरह का एक्शन लेना चाहिए था वो सरकार नहीं ले पा रही है। और क्योंकि SIT का गठन इससे पहले भी किया गया था, जब नकली शराब की फैक्ट्रियां पकड़ी गई थी, और उसके बाद पंजाब में काफी बवाल भी हुआ था, और बवाल के चलते ही राज्य सरकार ने एक SIT का गठन किया था। सुखबिंदर सिंह सुख सरकारिया है, कैबिनेट मंत्री उनकी देखरेख में, और उनको असिस्ट करने के लिए एक एडिशनल DGP लेवल का अधिकारी भी लगाया गया था, एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी लगाए गए थे, लेकिन उसका भी अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया है कि रिपोर्ट कब आएगी और किस तरह से, क्योंकि जो चर्चाएं चल रही थी कि जो बड़ी मछलियां हैं उन पर हाथ डालने से सरकार कहीं ना कहीं डरती दिखाई दे रही है, और ऐसा ही यहीं पर भी हो रहा है, क्योंकि लोग लगातार ही पूछ भी रहे थे कि सरकार के नाक के नीचे इस तरह का गोरखधंधा काफी लंबे समय से चल भी रहा था, और कल जिस तरह के हालात थे वहां पर लोग मर रहे थे, और क्रिमेशन करने के लिए जगह तक नहीं बची थी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह दर्दनाक वो दृश्य था कि जहां पर लोगों को अपना क्रिमेशन करने के लिए जगह ना मिले। और इसी के चलते लगातार ही जो डाटा है, पंजाब पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट डाटा भी इकट्ठा करने लगा हुआ है, और 86 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, और अब भी कई जिंदगी और मौत की जो लड़ाई है, वो चाहे गुरदासपुर के हॉस्पिटल है, अमृतसर के हॉस्पिटल है, जो तरन तारण के हॉस्पिटलों में लड़ भी रहे हैं, और अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं कि आखिर उनका कसूर क्या था। कसूर सिर्फ यही था कि उन्होंने सस्ती शराब पी थी, और सस्ती शराब के चलते ही आज अपनी जो जान से हाथ धो बैठे हैं, और कई परिवारों में तो परसों का चूल्हा तक नहीं जला, जहां पर रोटी पकती थी, हंसी खुशी होती थी, अटखेलियां होती थी, अब वो नहीं हो पा रही है। जी विशाल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।